Okay, good morning everybody. What I'm going to talk about today is not something new. All of us actually do. Good morning, it. Sir. All of us are finance managers. हम लोग अपना घर चला रहे हैं. Basically, Amulya asked me to share on P&L. And if I look at P&L, है क्या? तो हमारे कुछ income है, कुछ expense है. Okay, we are all running our households. हमें एक salary मिलती है. Which is one of the income. Sometimes my wife also earns. So दो लोग कमा रहे हैं. तीसरी इनकम भी हो सकती है हमारी, अगर हम कोई रेंटल इनकम है हमारी, हमारे कोई घर है, हमने किराए पे दिया हुआ है, हमने कोई फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, तो फिक्स डिपॉजिट का इनकम भी आ रहा है. तो इनकम हम सब लोगों को पता है कमाना, रेवेन्यू, इनकम, सेल्स. These are all same things. कहां से पैसा आ रहा है और कहीं पैसा जा रहा है. जहां से पैसा आ रहा है हम उसको बोलते हैं इनकम, सेल्स, रेवेन्यू. हाँ, हम लोन भी ले सकते हैं. आज हम लोन की बात नहीं करेंगे. या कोई हमें अपना डिपॉजिट भी दे सकता है कि सर ये अपनी कंपनी में, ये आप मेरी तरफ से रख लो, मेरा हिस्सा है. हम आज उसकी बात भी नहीं करेंगे जिसको इक्विटी बोलते हैं. हम बात कर रहे हैं कमाने की और खर्चा करने की. ओके, सो व्हाट इज आवर इनकम, व्हाट इज द एक्सपेंस. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम आर देयर. आई थॉट कि मैं, जैसे हम लोग घर चलाते हैं ना, एक माइंड मैप बनाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है, P&L हम जिसको बोलते हैं, विल क्रिएट अ माइंड मैप. वन सेकेंड, लेट मी फर्स्ट शो माई स्क्रीन. पहला जो बात है इनकम की, P&L जो हम बोलते हैं, तो हम अपनी पर्सनल बैलेंस शीट, पर्सनल P&L बनाएंगे. किसी को भी ले लेते हैं हम. तो कुछ इनकम है हमारी, तो सैलरी होगी हमारी, लेट्स से तो ए ले लेते हैं, एक बंदे की सैलरी होगी, राइट. फिर हमारे दूसरे बंदे की भी सैलरी है. स्पाउस अगर हमारे कमा रहे हैं घर पे, तीन लोग कमा रहे हैं, हमारे रेंटल इनकम हो सकती है, करेक्ट. और हमारे इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, या कोई शेयर्स की इनकम है. बहुत सारे सोर्सेज हैं. हम अपना घर कैसे चलाते हैं, हमारी जो सैलरी वगैरह आती है उसी से ना, इनकम से. तो तरह तरह के इनकम सोर्सेज हैं. और कुछ इसके खर्चे हैं. खर्चे दो तरह के हैं. एक्सपेंसेस जो है, एक तो हमारा एक्सपेंस वो हो गया कि जिसको बोलते हैं हम कि इस चीज को कमाने के लिए जो लगता है, तो हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस. तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हुआ, जैसे मैं बस लेके जा रहा हूँ, या गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा हूँ, या तो डायरेक्ट एक्सपेंस वो हो गया जो उसको कमाने के लिए जो लगता है हमको. लाइक लेट्स से कैफेटेरिया में मैं 200 रुपए हर महीने खर्च करता हूँ, या 100 रुपए, तो वो हमारा एक डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा. और कुछ हमारा जो है एक्सपेंस, हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस. कैटेगरी बनाई हुई है, और कोई खास बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें. इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, जैसे हमने घर का रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी देनी है. अब पूरे फैमिली में एक ही बार देंगे ना, ये थोड़ी ना हो कि मेरी बीबी अलग देगी इलेक्ट्रिसिटी का, मैं अलग दूंगा. तो हम बाइफरकेट नहीं कर सकते कुछ खर्चों को. कुछ खर्चों को हम बाइफरकेट कर सकते हैं. तो डायरेक्ट एक्सपेंस जैसे पर्सन ए का हो गया, पर्सन बी का. अब पर्सन ए हो सकता है उसको बिना सिगरेट पिए या कॉफी पिए काम नहीं होता, तो उसका सिगरेट कॉफी का खर्चा आ जाएगा यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस का. पर्सन बी के कुछ और खर्चे होंगे. तो दो तरह के हमारे एक्सपेंस हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट वो एक्सपेंस हो गए जो कि मैं कह नहीं सकता कि, मतलब सेपरेट करना बहुत मुश्किल है. तो अगर मैं सेपरेट कर दूं,
अगर जैसे सिंगल जब हम हैं तो सेपरेटेड ही होते हैं वो सारे, तो सारे अगर मैं पीएनएल बनाऊंगा इनकम में से एक्सपेंस जो हटा दूंगा तो जो बाकी रह जाएगा वो हमारा प्रॉफिट रह जाएगा, या आप प्रॉफिट को आप बोलोगे सेविंग हो गई एक तरह से, ठीक है। प्रॉफिट का एक और वर्ड है सेविंग। घर के मामले में हम लोग ये बोलते हैं ना कि बच गया भैया, इतना पैसा बच गया हमारा इतना प्रॉफिट आ गया। तो ये भी हो सकता है कि लॉस आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। अठन्नी लोगों को समझ में नहीं आएगी चवन्नी अठन्नी क्या होती है। 25 पैसे को चवन्नी बोलते थे, 50 पैसे को अठन्नी बोलते थे। तो ये बड़ा फेमस सॉन्ग था, आमदनी अठन्नी, 50 50 पैसे की आमदनी है, इनकम है, खर्चा रुपया। तो कई लोग ऐसा करते हैं और फिर उसको पूरा करने के लिए यहाँ लोन लेंगे। एक तरह का एक खर्चा हमारा और होता है, कोई तो हम एसेट खरीदते हैं। तो जैसे मैंने आज के दिन में लोग सैनिटाइजर खरीद रहे हैं, ठीक है। अब सैनिटाइजर इक्विपमेंट पड़ा हुआ है घर में, जो भी कंज्यूमेबल है ना वो एक्सपेंस में आ जाता है। तो जो हमारा जो चीज कंज्यूम हो जाए वो एक्सपेंसेस में आ गई हमारी, और जो एसेट्स है वो बैलेंस शीट आइटम है। तो आज मैं एसेट की बात नहीं करूंगा, मैंने एक गाड़ी खरीद ली। अब वो गाड़ी जो है एक एसेट है, खर्चा कुछ पैसा लगा मेरा गाड़ी खरीदने में, पर गाड़ी मेरे पास पड़ी है और रहेगी, अगले कुछ साल रहेगी। वी नॉर्मली एक्सपेक्टेड कि गाड़ी हमारे पास कुछ साल पड़ी रहेगी, तो उसको एसेट बोलते हैं। वो बैलेंस शीट आइटम है, जो हम लोन लेंगे वो बैलेंस शीट आइटम है। मैं आज बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कुछ इनकम कुछ कमा रहे हैं कुछ खर्चा कर रहे हैं, जो रह गया वो है प्रॉफिट। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस सो फार? बस सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। नहीं सही है सर। नो सर, इट्स गुड सर। नो सर, क्वेश्चन इज ऑफ नो सर। सर हरपाल बोल रहा हूँ। हाँ सर, जैसे गाड़ी लिया तो गाड़ी डेफिनेटली इज एन एसेट, तो वो बैलेंस शीट में चली गई। बट अगर गाड़ी लोन पे ली है और लोन का मंथली ईएमआई जा रहा है, तो दैट ईएमआई विल बिकम एन एक्सपेंस ओनली ना, चाहे वो इनडायरेक्ट में हाँ आए या वो डायरेक्ट यहाँ में आए। पर बट ईएमआई ऑफ अभी मैं आ रहा हूँ। कार लोन विल एक्सपेंस, बिकम एन एक्सपेंस। गुड गुड क्वेश्चन। अभी जो दो तीन आइटम रह गए, एक तो टैक्स रहेगा कि जो प्रॉफिट बनेगा गवर्नमेंट हमारा स्लीपिंग पार्टनर है, क्या सरकार को भी देना है, तो इसी प्रॉफिट में से हम टैक्स दे और देंगे। तो एक और कैटेगरी होता है फाइनेंस कॉस्ट का। तो अब ये फाइनेंस कॉस्ट हम यहाँ भी डाल सकते हैं, अपने इनडायरेक्ट में भी डाल सकते हैं। एक्चुअली इसको हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ ले आते हैं, ठीक है ना। फाइनेंस कॉस्ट जो ये बोल रहे हो कि मैंने कुछ लोन लिया उसका फाइनेंस कॉस्ट है, तो वो यहाँ आ जाएगा आपका, जो उसका इंटरेस्ट कॉस्ट है। और अगर मैंने प्रिंसिपल रिटर्न किया तो प्रिंसिपल वो बैलेंस शीट में आ जाएगा, पर जो खर्चा है, तो अभी आप सिंपल रखो फाइनेंस का जो मेरा इंटरेस्ट दिया बैंक को या गाड़ी का, वो यहाँ आ गया और ये प्रॉफिट बन गया। तो एक प्रॉफिट में दो तीन कैटेगरी, एक होता है एबिट, ठीक है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, टैक्स, सॉरी बिफोर इंटरेस्ट इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन। तो ये हम लोग टैक्स। जो देखते हैं एबिटा, एबिटा कैसे रहते हैं हम लोग दिन रात, कि ये वो प्रॉफिट है। जब देखो आईएमएस हम क्योंकि चला रहे हैं तो कुछ इंटरेस्ट लग रहा है, बैंक से कुछ लोन लिए, वो नॉर्मली जो ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे अभी हरपाल चला रहे हैं आईएमएस को, ये उनकी कंट्रोल में नहीं है बहुत ज्यादा। डिप्रिसिएशन, जो हमने बिल्डिंग खरीदी हुई है या कार, अभी इन्होंने कार की बात की, अब कार की वैल्यू 50,000 रुपये हर साल कम हो गई, ठीक है, क्योंकि 10 साल मान लो उसकी वैल्यू है, और इक्वल ले अगर हम लोग 50 50,000 रुपये मान लो हर साल उसकी वैल्यू कम हो रही है, वो डिप्रिसिएशन है। और टैक्स, मैंने बोला टैक्स देना है, तो एक ये एक नंबर है। टैक्स देने के बाद एक और नंबर आता है, जो लास्ट में जो बचता है ना उसको बोलते हैं पैट, जो फाइनली जो बचत होती है कंपनी में, वो एक्चुअली ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मेन चीज ये है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि कंपनी कितना भला कर रही है नहीं कर रही है। जो निचोड़ है, जो मतलब अब देने दूने के बाद गवर्नमेंट को सरकार को देने, सारे एम्प्लॉइज को दे दिए, सारे खर्चे पूरे कर दिए, जो हमारे पास बच गया
टैक्स वैक्स देने के बाद, अब इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम दो पार्ट में बांट देते हैं, कुछ तो शेयर होल्डर को दे देंगे, अगर मैंने 100 रुपए लगाया तो मेरे को कुछ मिलना चाहिए, कुछ कंपनी में रख देते हैं हम लोग एज रिजर्व कि यार आज नहीं खर्चा करेंगे, बाद में यूज करेंगे। तो मोटा मोटा जो है ये मैंने आपको, हम लोग जब घर चला रहे हैं अपना, तो घर में हम ये कर ही रहे हैं, हमारी जो इनकम हो रही है, जो सैलरी आ रही है, उसी से हम स्कूल के बच्चों का फीस भी देते हैं, आप लोग फीस भी देते होंगे यहाँ पर, है ना? तो ये फीस भी आपका एक एक फिक्स कॉस्ट, एक तरह से इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट को बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं ऑफिस नहीं गया ना तो कैफे में नहीं खाऊंगा, ठीक है? तो डायरेक्ट एक्सपेंस को वेरिएबल बोलते हैं, और इनडायरेक्ट को एक तरह से फिक्स बोलते हैं। भैया तुम्हारी आमदनी हो या ना हो, ये खर्चा तो देना है, स्कूल की फीस आपको देनी पड़ेगी, किराया आपको देना पड़ेगा, बिजली का बिल आपको देना पड़ेगा, ये फिक्स्ड माने जाते हैं। इसको आप एब्जॉर्ब कर लो। क्या 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 बोला, मैं समराइज करूं। हर फैमिली में कुछ इनकम, अब वो इनकम एक बंदा दो बंदा सैलरी लेके आ रहे हैं, बिजनेस इनकम भी हो सकती है, हो सकता है आपका स्पाउस कोई बिजनेस कर रहा हो, आपके फादर कोई बिजनेस कर रहा हो, वो इनकम आ रही है, कुछ रेंटल इनकम, आपने कोई मकान बनाया किराए पे दिया हुआ है, कोई इंटरेस्ट इनकम, कोई फिक्स डिपॉजिट की हुई है उसकी इनकम आ रही है, कुछ आपने शेयर मार्केट में डाला हुआ है, कोई और इन्वेस्टमेंट है उसकी इनकम आ रही है, तो वो आपका आमदनी हो गई, इनकम हो गया, रेवेन्यू हो गया, इसको रेवेन्यू भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल्स, ठीक है, रेवेन्यू, ठीक है, ये सारे टर्म हो गए। अब आ जाए खर्चे पे, खर्चे दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होते हैं जो वेरिएबल है, ठीक है, अगर आप का बहुत ज्यादा बिजनेस हो रहा है, ठीक है, जैसे फ्रेट हो गया, फ्रेट एक तरह से वेरिएबल होता है, बहुत बिजनेस हो रहा है तो बहुत माल जाएगा इधर उधर, कन्वेंस होगी, ट्रैवल होगी, बहुत सारी होगी, तो ये डायरेक्ट। तो टिपिकली हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम में से डायरेक्ट जब कम कर देना, वो एक और वर्ड है, उसको बोलते हैं ग्रॉस मार्जिन। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, पूरा बिजनेस का खेल जो होता है ना, ग्रॉस मार्जिन का खेल होता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करूं, तो ग्रॉस मार्जिन क्या हुआ, इनकम माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। सर एक एक क्वेरी है रजनी जी, के साइड सर, इसमें सो बेसिकली वी हैव थ्री टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, वन इज डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड कंज्यूमेबल। सो व्हाट इज दिस कंज्यूमेबल, सो इट विल बी नहीं कमिंग नहीं वेयर? सॉरी यार, मैं ये जो कंज्यूमेबल एक्सपेंस इधर आया, हाँ कहाँ गया यार, ये मैंने कैटेगरी बताने के लिए बोला था, ओके बट डिपेंड करता है, दो तरह के कंज्यूमेबल हो सकते हैं यार, एक वो हो सकते हैं जो अब इसमें अभी मत जाओ, ठीक है, ओके मतलब ये मैंने एसेट और इसके डिफरेंस के लिए बताया था, इसको हटा देता हूँ मैं, ये लो जी डिलीट मार दिया, क्योंकि ये एसेट मैंने बोला था ना कि दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, एक जो खर्चा हो गया बस हो गया, वापस नहीं आएगा आपके पास, एक एसेट है जो पड़ा हुआ है, दिख रहा है, अभी गया नहीं है आपके हाथ से, खर्चा तो हो गया, पैसा आपने दे दिया, ठीक है, बट अभी उसका कुछ दिख रहा है, आपने साबुन रखा हुआ है, साबुन तो उड़ गया ना, साबुन गया, जब साबुन चला गया तो दिखेगा नहीं आपको, वो कंज्यूमेबल है, एसेट हो सर, गई वो जैसे मेरे गाड़ी। इनडायरेक्ट में नहीं आएगा ये सारा खर्चा, मेरे इनडायरेक्ट में आना नहीं, चाहिए? देखो एक मिनट, अच्छा क्वेश्चन है, एक मिनट मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, धीरे धीरे समझा रहा हूँ, पहले ग्रॉस मार्जिन पे फोकस करो आप, ये बात समझ में आ गई आपको कि इनकम में से अगर डायरेक्ट वाला खर्चा कम कर देना तो ग्रॉस मार्जिन है। ये ग्रॉस मार्जिन क्या चीज है, ग्रॉस मार्जिन ये वो चीज है, हमारी ट्रू कमाई है। अगर मैंने सेव, मैं एक फल का ठेला लगाता हूं, उसमें मैंने सेब रखा है, ऑरेंज रखा है, केला रखा है, मैंने सेब खरीदे 100 रुपए में, तो वो मेरा डायरेक्ट कॉस्ट है, उसको मैंने बेचा 200 रुपए में, वो मेरा इनकम हो गया। तो ग्रॉस मार्जिन क्या हुआ,
200 माइनस 100, 100 रुपए। अच्छा अब मैं खाना भी खाऊंगा, मैं ठेला चला रहा हूँ, खाना भी खाऊंगा, मेरा भी खर्चा है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस वो है जिसको मैं ट्रेस कर सकूं कि भैया ये मैंने बेचा है 200 रुपए का, इसके लिए ये 100 रुपए के सेव लगे हैं। हम लोग रेजिडेंट आरी की बात करते हैं, आरी रेजिडेंट इंजीनियर। अब रेजिडेंट इंजीनियर मेरा वहां लग गया, वो पता है मेरे को एक कस्टमर को देख रहा है, किस कस्टमर को देख रहा है पता है, उससे 100 रुपए की आमदनी है, 50 रुपए की मेरी आरी लगा हुआ है या डेवलपर लगा हुआ है, तो 100 माइनस 50, 50 रुपए मेरी ग्रॉस मार्जिन है, मेरी आमदनी मेरी सेल्स नहीं है। अगर मैंने 100 रुपए की बिलिंग की पर मेरे 50 रुपए का उसमें खर्चा भी किया डायरेक्टली, मेरा आरी गया है, उसकी सैलरी गई है 50 रुपए, तो 100 माइनस 50, 50 परसेंटेज में क्या हुआ, 50%, 50/100 is 50%। तो ग्रॉस मार्जिन और ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज बहुत जरूरी है। अब हम लोग का देखो कई बिजनेस हैं, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस जो है उसमें खाना का जो मटेरियल, खाना बनाना है हमको, कोई एक डिश बनानी है, 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए उसका डायरेक्ट कॉस्ट होता है, उसमें रॉ आटे का, घी का, मक्खन का जो कॉस्ट है, और आग भी लगती है उसमें, गैस सिलेंडर मेरा चलता है, ये 30 रुपए, अगर मैं 100 रुपए की डिश बेच रहा हूँ 30 रुपए का लगा तो 70 रुपए मेरे ग्रॉस मार्जिन है, ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज इज 70%। अब WS का बिजनेस देखो, ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज बहुत कम है, 10% है, 90 रुपए में लेके 100 रुपए में बेच दिया, तो WS में ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज कम है। अब रजनीश का क्वेश्चन था, रजनीश देख रहे हैं क्लाउड का बिजनेस, तो Amazon है या Microsoft है, उससे क्लाउड में Microsoft ने हमको बिल किया 80 रुपए का, हमने बिल किया 100 रुपए का, तो ग्रॉस मार्जिन क्या हुई, 20 रुपए, 20% हुआ। अब Amazon बहुत कंजूस है, वो 93 रुपीज का बिल करता और हम 100 रुपए का बिल करते हैं कस्टमर को, तो ग्रॉस मार्जिन क्या हुआ, 100 - 93, 7 रुपए, तो मेरा मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन बहुत कम है Amazon में, 7%। तो जो परसेंटेज से नेचर ऑफ बिजनेस चेंज होता है, ग्रॉस मार्जिन हमने क्या लेके, क्या बना के, क्या बेचा, तो हमारी जो वैल्यू एडिशन, कई बार हम बोलते हैं वैल्यू क्या है भैया, वैल्यू एडिशन जो है हमारी वो है ये ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज, जो ग्रॉस मार्जिन है मतलब हमने कितने में खरीदा और कितने में बेचा, वो जो माइनस किया इनकम में से, जब डायरेक्ट कॉस्ट माइनस किया वो आया हमारा ग्रॉस मार्जिन और ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज। उसके बाद बाकी खर्चे निकालते हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, तब हमारा बचता है EBITDA। इंटरेस्ट हटा दूं और टैक्स भी हटा दूं, डिप्रिसिएशन हटा दूं, तो मेरा आ जाता है PAT। अब आप कोई somebody, मैं इसको बंद कर रहा हूं इस शीट को, अब मैं जो है आपको दिखाता हूं टीम की PNL। ये शीट दिख रही है सबको? यस सर, हाँ जी। अब धीरे धीरे जाना ऊपर, देखो आपको वो दिख रहा है, BU दिख रहे हैं, WS, ES, IMS, TD, शेड दिख रहा है? यस सर। अच्छा, ये मैंने आपको बोला इनकम होंगे कई तरह के, ट्रेडिंग इनकम हो गया, ट्रेडिंग इनकम हम बोलते हैं, हमने ना इनकम के ना तीन कैटेगरी बनाए हुए हैं, ट्रेडिंग, सर्विस और सॉफ्टवेयर। क्यों बनाए हैं, आप कुछ भी लिख सकते थे, लिख सकते हैं, कोई कुछ मना नहीं करेगा, हमने इसलिए लिखा है कि इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। सर्विस इनकम है भैया, ये सॉफ्टवेयर इनकम है, हमने इजीली उसको समझने के लिए किया। तो ट्रेडिंग इनकम हो गया जो माल खरीदते हैं और बेचते हैं, तो IMS में भी जो स्पेयर्स आप खरीद रहे हो और बेच रहे हो, कौन बेचता है, EUS, ताबिश की टीम बेचती है, वो ये आ गया, ठीक है। बाकी जो हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, जो बेच रहे हैं वो ये आ गया आइटम। अच्छा, सर्विस इनकम जो है, जो हम सर्विस बिलिंग कर रहे हैं IMS में, हमने ये पता नहीं कौन से महीने की है, जुलाई की है, तो 7 करोड़ रुपए की हमने सर्विस बिलिंग की है,
टीडीई में हमने 2 करोड़ की सर्विस बिलिंग की है, ठीक है, और तो ये हमारी सर्विस बिलिंग होगी। एक प्रोविजनल इनकम ये है, ये एक इंटरेस्टिंग आइटम है कि कई बार क्या होता है, जैसे कि मैंने आज 100 रुपए का बिल कर दिया सर्विस का, ठीक है, बट वो बिल तो कर दिया बट इनकम ये 3 महीने का था, मैंने आज ही बिल कर दिया तो 2 महीने का मैं कम कर दूंगा। तो अगर आप टीडी में देखो ये माइनस चल रहा है, ये माइनस इसलिए चल रहा है कि यहां इस जुलाई से कम करके मैं किसी और महीने में डाल दूंगा, समझ गए आप लोग? सर एक बार और समझाइए। नहीं सर समझ नहीं आया सर। अरे प्रोविजनल इनकम मतलब कि आपने यहां बिल कर दिया बट सर्विस नहीं दी। अच्छा नहीं नॉर्मली इट्स एक्चुअली यू हैव बिल्ड इट बट यू हैव नॉट प्रोवाइडेड सर्विस, सो दैट्स व्हाई दैट यू कांट टेक इट इन द रेवेन्यू, सो इट्स ए इट्स पुट इन द डेफर्ड व्हेन यू प्रोवाइड द सर्विस। एक मिनट मेरे को समझाने दो यार, एक मिनट। बहुत सारे टीचर्स हैं, पीपी मेरे को समझाने दे, मतलब सारे बहुत क्वालिफाइड हैं, तो एक बंदा ले लेगा ना, टाइम कम है, मैं 10 बजे तक खत्म करना है। देखो इसमें क्या है, एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर मैंने 100 अकाउंटिंग का अच्छा प्रिंसिपल क्या है, अच्छा प्रिंसिपल यह है कि जो इनकम जो मैं सर्विस दे चुका हूं ना, मैं उसी को मानूंगा अपना सेल्स, जो मैं माल दे चुका हूं उसी का। मान लो मैंने एक बिल रेस करना है, रेस्टोरेंट में एक बंदा आया, मैंने उसको बिल पहले पकड़ा दिया, वो खाना खाने आया, खाना मैंने नहीं खिलाया, उसको बिल दे दिया, तो इज दैट ओके? ऑब्वियसली दैट इज नॉट ओके। व्हेन आई हैव डिलीवर्ड द गुड्स प्रोडक्ट्स और आई हैव डिलीवर्ड द सर्विस, आई शुड ओनली बिल देन। डू यू अग्री? एवरीबॉडी अग्रीज? यस यस सर। सम टाइम द पीरियड ऑफ बिलिंग, सी पीएनएल इज ऑलवेज अबाउट अ पीरियड, ठीक है, ये जुलाई का है, 1 जुलाई से 31 जुलाई है। हो सकता है मैंने जुलाई में कोई बिल किया हो, अगस्त कभी बिलिंग कर दिया हो, तो वो सही नहीं है। अगस्त का बिल में इनकम मेरे को अगस्त में लेना है, अगस्त का खर्चा मैंने अगस्त में लेना है, ना तो मेरे को खर्चा लेना चाहिए ना मेरे को इनकम लेना चाहिए किसी और महीने का। मैं तो अगले साल का भी ले लूं, कस्टमर से मेरे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने 3 साल का बिल रेस कर दिया, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, देखो भैया मेरी इनकम बढ़ गई, वो कागजी इनकम है, वो गलत है, वो मेरी इनकम नहीं है। बिना खाना खिलाए कस्टमर को मैं बिल कुछ भी रेस कर दूं, अपने आप को बेवकूफ बना रहा हूं। तो इसलिए अकाउंटिंग में हम थोड़ा कम ज्यादा करते हैं, जो हमारी एक्चुअल इनकम है उसी को लेते हैं, बाकी को नहीं लेते हैं। ऑल ओके? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सर आई थिंक क्लाउड बिजनेस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर प्रोविजनल इनकम। वो 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ मैं आ रहा हूँ। नहीं क्लाउड में नहीं है तेजस, क्लाउड में हम जिस महीने का बिल उसी महीने में कर रहे होते हैं, बट जो जी स्वीट का है, जी स्वीट में वो होता है, जैसे गूगल ने मेरे को 1 साल का बिल कर दिया सॉफ्टवेयर का, ठीक है, बट मैं अगर मंथ 1 महीने का पीएनएल बना रहा हूं, मैं उसका 1 महीने का ही खर्चा लूंगा। गॉट इट। ओके नाउ वी कम टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये देखो नंबर 11 और नंबर 4 कनेक्टेड है। 11 जो है जो फोर्क जो ट्रेडिंग इनकम है उसका मैंने यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड ले लिया, मैंने फ्रेट एंड कार्टेज डायरेक्ट ले लिया, क्योंकि मेरे जितना मेरा माल शिप होगा अप्रैल के महीने में मेरा, मैं आपको दिखाऊंगा बिजनेस, ये कम हो गया क्योंकि हमारी बिलिंग कम हो गई थी। ये सारे जो है डिस्काउंट एंड रिबेट, अगर मैंने 72 करोड़ की बिलिंग की और डिस्काउंट दे दिया मैंने 11 लाख का, तो वो कम हो जाएगा मेरे इनकम से। मैंने कोई अगर बैड डेट, मेरा अगर पैसा नहीं आ रहा है वो भी यहाँ आ रही, सैलरी वो भी यहाँ, तो टोटल मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस, टोटल डायरेक्ट इनकम ये आ गया, टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस ये आ गया, ठीक है ना। और जॉब वर्क, अगर मैंने
एएमसी में क्या होता है, कई बार मैंने किसी से इंस्टॉलेशन करवाया, डब्ल्यूएस में क्या होता है, इंस्टॉलेशन करवाया मैंने किसी दूसरे कंपनी से, वो मेरा डायरेक्ट खर्चा है, अगर मैं इंस्टॉलेशन नहीं कराऊंगा तो मेरा नहीं आएगा, तो इसलिए ये जॉब वर्क लिया हुआ है। ये सब जब हम हटा देंगे, ये ग्रॉस मार्जिन आ गया, ये ग्रॉस मार्जिन है जो हमारी एक्चुअल कमाई है। हमने एक्चुअली सिर्फ 5,74,00,000 कमाया है जुलाई में, ये वैल्यू एडिशन है। सारा 3,000 लोग लगने के बाद 5,06,00,000 रुपए हमने कमाई किए, और इसकी ये ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज है जो ये लिखा हुआ है 6.85, ईएस में थोड़ी ज्यादा थी, आईएमएस में सर्विस बिजनेस में ज्यादा है, देखो 36% 40%, और ठीक है। नाउ वी गो टू द कुछ अदर इनकम भी होती है, जैसे इंटरेस्ट इनकम हो गई मेरी, ठीक है, और कहीं पर मेरा आजकल जो है अगस्त में फाइनेंस टीम ने इंटरेस्ट इनकम, तो बिजनेस की अलग अलग सैलरी, आईएमए 1,00,00,000 है, डब्ल्यूएस की भी है, ये सब हमारी टोटल सैलरी 87,00,000, ये हमारी सैलरी है फाइनेंस अकाउंट्स एचआर, ये शेड में जो लिखा हुआ है शेड में। ट्रेवल एंड कन्वेंस में हमारी काफी कम हो गई है, देखो ट्रेवल एंड कन्वेंस आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, वाटर इलेक्ट्रिक आ गया, ये सारे खर्चे आ गए, ठीक है। तो शेड को टोटल हम ले लेते हैं, शेड का टोटल 164, वो यहाँ पर हमने कम कर दिया, ठीक है, और ये बांट दिया हमने तीनों में, ओके। तो ये हमारी एबिटडा आ गई यहाँ पर, अलग अलग एबिटडा आ गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो ये माइनस था या लॉस था टीडी में जुलाई के महीने में 12,00,000 का, बाकी में हमारा प्रॉफिट था, टोटल 3,00,00,000 रुपए का प्रॉफिट बना हमारा। उसके ऊपर फाइनेंस चार्जेस लगाए हमने 31,00,000 के, ठीक है। तो हमारा टोटल ईबीडीटी, इसमें से देखो ईबीआईडीटी इंटरेस्ट भी है, हमने इंटरेस्ट हटा दिया, ईबीडीटी आ गया। इसके बाद डिप्रिसिएशन लिया तो पीबीटी आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट बनेगा। पीएनएल हमको पिक्चर दिखा रही है एक पीरियड में क्या कमाया, जो नीचे एबिटडा है या पीबीटी है या पीएटी है, कमाया क्या हमने या नुकसान क्या किया, पीएनएल हमें वो बता रहा है, बैलेंस शीट हमें वो बता रहा है कि मेरा पैसा कहां पड़ा हुआ है इस समय, ठीक है, एसेट में कितना है, ठीक है, और वो कहां से आ रहा है, मैंने लोन कितना लिया हुआ भैया, बैंक को कितना देना है, ठीक है, या मेरा प्रॉफिट कितना हुआ पड़ा है। तो इट्स अ स्नैपशॉट। तो आज हम बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहे हैं, करेंगे अगर अमूल्या बोलेगा, आप लोग बोलोगे सर बैलेंस शीट समझाओ, एक दिन वो समझाएंगे।